देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिंगर के ऊपर कि आपको अपनी मशीन के लिए कौन सा फिंगर यूज़ करना चाहिए। यहाँ दो तरीके के फिंगर्स आप देख सकते हैं, एक रेड कलर में है जो विदाउट सपोर्ट है, इस पट्टी से इस पट्टी के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और ये एक आप ब्लैक थोड़ा ब्राउन में देख सकते हैं जिसमें एक सपोर्ट है इससे इसमें। तो इसमें सबसे बेहतर कौन सा होता है चलिए समझाते हैं आपको। धान की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है, तो अभी जो लोग अपनी मशीन वगैरह रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे हार्वेस्टर है तो उसमें आपको ध्यान देना है जो आपका फिंगर है उसमें किस टाइप के फिंगर आप यूज़ कर सकते हैं जो बेस्ट होते हैं। जैसे एक सिंगर ये देखिए, एक जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बीच में एक सपोर्ट लगा हुआ है दोनों फिंगर्स के बीच में, ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि इसमें सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, ये विदाउट सपोर्ट है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से तो इसकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा होगी, रीज़न बिहाइंड कि ये बीच में थोड़ा सा सपोर्ट है एक दूसरे को कनेक्ट करता है और पकड़ इसकी थोड़ी मजबूत रहेगी, और इसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आपका ब्लेड चल रहा है झटके से टकरा गया तो इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका ये सिंगल वाला एरिया जो है वो टूट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़े कम चांसेस होते हैं क्योंकि ये बीच में सपोर्ट होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर आप लगा रहे हैं तो आप श्योर करें कि ये वाला आप यूज़ करें, ये थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ेगा और ये वाला आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो देख लें जो आपको बेहतर पड़े, वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। भूसे की मशीन में यूज़ कर रहे हैं या आप हार्वेस्टर में यूज़ कर रहे हैं, दोनों में ही आप ये वाला यूज़ करें ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ये वाला भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।